खरगोन 1 मार्च 2020 प्रदेश के कृषि उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सचिन यादव ने 2 दिवसीय चिली फेस्टिवल के समापन अवसर पर कहा कि सरकार मध्य प्रदेश में कृषि उद्यानिकी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस फेस्टिवल के दौरान किसानों, व्यापारियों और वैज्ञानिकों ने जो जो भी सुझाव दिए हैं उन पर सरकार कार्य करेगी। साथ ही इस तरह मध्य प्रदेश सरकार में फसलों का चिन्हांकन करते हुए ब्रांडिंग के कार्य और आयोजन करेगी, जिसमें किसानों को मार्केट सहित कृषि व्यापार को समझने के पर्याप्त अवसर मिल सके और उनके तकनीकी पहलुओं को मिट्टी की उर्वरा शक्ति के प्रति नया माहौल बन सके। समापन अवसर पर जिले में आए प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया, जिसमें आधुनिक तरीके अपनाकर खेती करने वाले किसान, महिला किसान और युवा किसानों को सम्मानित किया गया। वहीं 1-2 दिवसीय आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों का आभार मानते हुए प्रमाण पत्र और शील्ड प्रदान की गई। कसरावास से अखिल खान की रिपोर्ट। बनाने में उससे 20% खर्चा कम करके आप ये ग्रेडिंग करके दे सकते हैं, क्योंकि गांव में खर्चा कम होता है। 5% से कम रहेगा, 9 महीने की सेल्फ लाइफ इसमें मिलेगी, 9 मंथ सेल्फ लाइफ। इसकी कॉस्ट आप जाके अमेजोन या किसी दूसरी जगह चेक करिएगा, 70-80 रुपए 60 ग्राम के पैकेट की उससे कम नहीं है कॉस्ट। ये बॉटल बढ़िया पैकिंग करिए। सभी ने मिलकर के इस आयोजन को सफल बनाने में, इस आयोजन को ऊंचाई तक ले जाने का जो काम किया, उसके लिए मैं उनको हृदय से सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे हमारा जो इंदौर संभाग के हमारी पूरी टीम है, इस टीम के सभी सदस्यों को भी मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ सफल आयोजन के लिए। विशेष बधाई जो है हमारे बीच में नौजवान साथी प्रदीप शिंदे हैं, इसने और उसने और उसकी पूरी टीम ने मिल करके इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में जो है अपनी पूरा सहयोग देने का प्रदान किया। विशेष पेंशन इंस्टीट्यूट से हमारी जो SDM है नेहा शेगरे जी, उनका इंस्टीट्यूट से जो है करना चाहूँगा, और तमाम हमारे अधिकारियों ने जो है रात दिन मेहनत की, परिश्रम किया, और उसी का परिणाम हमारे मंडी के सभी हमारे साथी हैं, हमारे जो JB दीक्षित जी हैं, उनकी पूरी टीम जो है, उनको सबको मैं हमारे यहाँ की कसरावल मंडी के तमाम साथी, खरगोन मंडी के पूरी टीम को जो है मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ सफल आयोजन के लिए। और निश्चित रूप से आज 2 दिन का हमारा जो आयोजन हुआ, इससे इसमें जो चिंतन हुआ साथियों से आए, चाहे विशेष विशेषज्ञों की तरफ से आए, उनको हम लोग आने वाली जो हमारा रोड मैप होगा, उस रोड मैप में इन सभी सुझावों को शामिल करने का काम करेंगे, और जो हमारे मिर्च है जिसकी ब्रांडिंग आज आपके नाम से साथियों के जुआड़ की जो मिर्च है वो देश विदेशों में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ की जो गुणवत्ता है, यहाँ की जो वैराइटीज हैं, वो तमाम खूबियां जो है हमारे जुआड़ की मिर्च में है, उसकी निश्चित रूप से ब्रांडिंग जो है करने की आवश्यकता थी, और उसी को लेकर के हमने आज ये हमने आयोजन किया है। मैं इस अवसर पर हमारे तमाम हमारे मीडिया के जो हमारे साथी यहाँ पर हैं, उन साथियों को भी मैं सारी बात धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी जो PRO टीम है, PRO टीम को भी मैं धन्यवाद, जिन्होंने हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से जो है इस आयोजन को जो है संचालित करने का काम किया। उन तमाम कलाकारों को जो हमारे निमाड़ अंचल के जो हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, उस परंपरा को इस मंच के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाने का काम आप लोगों ने किया है। उन तमाम कलाकारों को भी मैं साधुवाद धन्यवाद, और इस बात से अपनी अपना वक्तव्य खत्म करूँगा कि निश्चित रूप से जो लक्ष्य हमने जो यहाँ पर रखा था, उद्देश्य को लेकर के हमने आयोजन हमने रखा था, उसकी पूर्ति जो हो रही है, और तमाम लोगों को जो भी किरदार रखते हैं, हमारे तमाम साथियों को जो है इस सफल आयोजन की जो है ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आदरणीय क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? अजय चौहान। अजय चौहान जी, कहाँ से आए थे आप?
मनावर तहसील से आए थे, मिर्ची महोत्सव में आए थे जी। आप भी किसान हो, मिर्ची लगाते हो क्या? नहीं नहीं, पहले लगा देता, अभी नहीं लगा। अच्छा, आपने मिर्ची लगाना बंद कर दिया था, क्या कारण था? ये वायरस, वायरस के कारण, वायरस के उत्पादन नहीं होने के कारण। तो अब आप यहाँ पर देखने आए हैं कि मिर्ची फिर से आपके मन में फिर से लालच आया कि मिर्ची लगाई जाए, और कोई इवेंट है तो आप मिर्ची के बारे में सुने? तो अभी कब से आए आप यहाँ पर? दो एक घंटे हुए। अभी कुछ देखने को मिला नया? अच्छा लगा। इसमें कौन से कंपनियों के मिर्ची के बारे में यहाँ से कुछ सीख के जाना चाहेंगे जी। उसके बाद कुछ अच्छा लगता है तो मिर्ची के क्षेत्र में फिर से आगे आना चाहते हैं क्या? जी जी। नाम लिखा? मेरा नाम देवेंद्र शिंदे। कहाँ से हो? कहाँ से थे? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? अच्छा, क्या लगा आने के बाद? ये अच्छा है, आपसे रिस्पांस मिल रहा है? बिल्कुल अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा है। और मध्य प्रदेश का जो इन्होंने काम चल रहा है, आपने इस तरीके के कोई और इवेंट कवर, इस तरीके से और कोई इवेंट कवर किया आपने उसमें? कहीं ऊपर इवेंट होना जरूरी है, जो मेजर क्रॉप है कैच है, जैसे चिली बीच, चिली बॉस तो हुआ है, जैसे कैच है कैच हमें फेस्टिवल होना चाहिए। भिंडी के ऊपर भी ऐसा क्रॉप वाइज अलग अलग सभी पे होना चाहिए, होना चाहिए। सर, सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ से आए थे और क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं इरफान मेहमान, रिसर्चिंग कॉन्फ्रेंस इंदौर से आया हूँ मैं। ये स्टॉल कहाँ का? अभी हैदराबाद के बारे में बता दें। हैदराबाद का है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। अच्छा, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। क्या चीज़ें आपके पास में, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर आपके किसानों के पास? हाइब्रिड्स जो है, हाइब्रिड्स के लिए नंबर ऑफ हाइब्रिड्स है, और हमारे पास वायरस रेजिस्टेंस है। वायरस रेजिस्टेंस के साथ हम अलग अलग टाइप के वायरस के लिए भी रेजिस्टेंस दे रहे हैं। CMV जो डिमांड में, CMV और LCV जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो हमारे पास वायरस, उस पर हमारा काम कम्प्लीट हो चुका है और हमारे पास उसका रेजिस्टेंस आ गया। इसके साथ में भी हमने वायरस के साथ साथ जो दूसरे इशू है, एंथ्रेक्नोस, पाउडरी मिल्ड्यू, उसका भी रेजिस्टेंस हमारे पास डेवलप हो चुका है, वो हमने मार्केट में शायद दे दिया। क्या आपके पास जो वेरायटी है वो हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु के लिए उपयुक्त रहेगी? मध्य प्रदेश में ही लगी हुई है। अच्छा, मध्य प्रदेश में ही लगे। अच्छा, किसान आपके पास में दो रोज से आ रहे हैं तो उनको क्या समस्या है, ऐसा लगा आपको कि क्या समस्या है यहाँ पर किसानों की? किसान जो हमने सबसे पहले हमारा फर्स्ट हाइब्रिड 2021 लॉन्च किया था 5-6 साल पहले, इसके पहले मिर्ची जो है रकबा बहुत कम होते हुए जा रहा था वायरस की वजह से। जब 2021 हमने दिया तो फिर से किसानों में एक उत्साह जागा और उनकी उम्मीद बनी कि वायरस के लिए सबसे पहले कंपनी देने वाली, वायरस के हाइब्रिड देने वाली स्टाफिंग प्रॉफिट से। तो अभी लोगों का यही है, अब लोग चाहते हैं वायरस के साथ साथ में और भी जो फ्रूट क्वालिटी है वो अच्छी चाहिए उनको, और आगे जो एक्सपोर्ट करते हैं पेस्टिसाइड की वजह से वो जो सैंपल रिजेक्ट हो जाते हैं, उन वैसा हाइब्रिड्स भी बना लिया जो सेकंड पेस्ट के लिए भी रेजिस्टेंस है, तो वो सैंपल यदि फॉरेन में जाते हैं, गल्फ कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पर वो पास हो जाएंगे क्योंकि पेस्टिसाइड उसमें कम यूज़ किया हुआ। हमने जैसे कि एक अपना सबसे प्रसिद्ध ब्रांड था ज्वाला, उसको हमने खो दिया, अब हम उसकी टक्कर में क्या लाना चाहते हैं? ला चुके हैं और अभी हमारे नांदेड़ में लगी और कृषि विभाग ने उसको हमको सर्टिफिकेट भी दिया है, *922 और *626 ज्वाला पैटर्न में ही हाइब्रिड है और बहुत हेवी बेरिंग, और अभी प्लांट कंटिन्यू है, यदि आप लोग देखना चाहें तो हम आपको दिखा सकते हैं। इस तरीके के आयोजन को आप किस दृष्टि से देखते हैं, क्या लगता है ऐसे कार्यक्रमों से आपको? ऐसे आयोजन से किसानों को नई चीज़ें देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है, और ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए। क्या लगा आपको यहाँ पर किसानों से, शिक्षा की कमी लगी, जानकारी की कमी लगी, या क्या लगा आपको किसानों से बात करके? किसान
सबसे पहले क्या है, किसान सभी तरीके हैं, कुछ बहुत समझदार भी है और किसी में भी जो है बहुत से लोगों में नॉलेज की कमी भी है। तो ऐसे किसानों को शिक्षित करने के लिए जो है सरकार को बार बार ऐसे प्रदर्शन, ऐसे स्टॉल और ऐसी जानकारियाँ देना चाहिए और ऐसे कंपनियों से भी मिलकर काम करना चाहिए सरकार को, जो अपने वैज्ञानिकों द्वारा उन किसानों की समस्याओं को दूर करें। और क्या संभावना देखते हैं आप मिर्ची के मामले में कि मिर्ची किसान उत्पादन तो कर लेता है, बेचते वक्त समस्या आती है, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें इस क्षेत्र में आना चाहिए, आपने क्या महसूस करते हैं? देखिए क्या है कि जब किसान उत्पादन कर लेता है तो हमारा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लाल चीनी, लाल मिर्च का उत्पादन होता है, तो जो हम विदेशों में बेचते हैं तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम आती है कि वो पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करने से उसका सिंपल फेल हो जाता है। जब हमारा हम ऐसा हैबिट जब दे रहे हैं कि जिसमें वायरस नहीं आएगा, सकिंग पेस्ट नहीं आएगा, तो वो हाइब्रिड जो है जब वहाँ पर जाएंगे तो वो पास होंगे, तो इससे हमारे देश की भी इनकम होगी, किसान भी प्रॉफिट में होगा और ऐसे हाइब्रिड हम ला चुके हैं। सर आप कहाँ से? मैं इंदौर से हूँ और कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड में रीजनल मैनेजर का भी काम, एमपी का कारोबार देखता हूँ। अभी 4 साल से हमने एमपी में हमारा मार्केटिंग चालू किया है और अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं, 1214 करके हमने एक वैरायटी लाई है, इसमें वायरस टॉलरेंस है और इसमें टेम्परेचर सहन करने की शक्ति है। और आपने अगर देखा होगा कि 9 महीने का क्रॉप है फिर भी इसकी लंबाई बरकरार है, जो कि किसान मानते हैं। और दूसरी एक वैरायटी लाई हमने अपना निमार जो है, एक अभी ब्रांडिंग हुआ नहीं, अभी कल बोला था ब्रांडिंग हुआ नहीं, अभी ब्रांडिंग होने की कगार पे है, 12 धूमी करके हमने वैरायटी लाई है, इसमें चारों वायरस का कंट्रोल है। दूसरा इसमें खासियत है कि कोबरा इसका फ्लेक्सिबल है और इसका ड्राई वेट जो आता है कलर, देखो कोका कोला कलर है इसका। मंडी में व्यापारियों को दिखाया था तो पहली ऐसी माइक्रो सेगमेंट में वेरायटी है कि जिसका प्लास्टिक कवर और प्लास्टिक कवर और कोका कोला कवर में माइक्रो सेगमेंट में पहली ऐसी वेरायटी हम मार्केट में कावेरी कंपनी दे रही है। और दूसरी इसकी डिमांड जो रही थी इसका वेट होना, ड्राई वेट तो सर 30% के ऊपर इसका प्राइवेट आएगा। सर आप ठीक है, आप मिर्ची की अपनी तारीफ कर रहे हैं पर हम चाहते हैं कि जो इवेंट हो रहा है किसानों के लिए, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि किसान इस तरफ और कैसे आकर्षित हो सकता है, क्या जानकारी दी जा सकती है? आपने मिर्ची पे काम किया है तो क्या परेशानी आती थी इससे पहले मिर्ची पे? जैसा बोला गया कि अपना निर्माण का एक ब्रांडिंग होना जरूरी है, जो गुंटूर में हुआ है कि जब इसका वो ब्रांडिंग होना जरूरी है और ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं, क्योंकि जी खतरा तो इसमें था वायरस का, जी जी वायरस रेजिस्टेंट वेराइटी आए तो किसान ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं, ऑर्गेनिक का रेट 2-3 गुना मिल सकता है, यानी एक्सपोर्ट के लिए अपन निर्माण के लोग तैयार हो जाएंगे निश्चित किसान। और मुझे ऐसा लगता है ये कार्यक्रम की वजह से बहुत अच्छा किसानों का रुझान बना है, इस तरफ वो जा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से हम आज गुंटूर से हम मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक वेराइटी को हमने खो दिया है, एक ऐसी वैरायटी थी जिसको हमने खो दिया, जो निमाड़ का नाम चलता था ज्वाला मिर्ची के नाम से, उसको खो दिया। हम फिर से अब इस तरफ आना चाह रहे हैं, तो अब कौन सा ऐसा बीज होगा जो उसकी टक्कर देगा गुंटूर को? इसमें अभी गुंटूर को टक्कर देने की है तो बहुत बीज है, एक तो तेजा सेगमेंट है, वो सेगमेंट से हम थोड़े दूसरे सेगमेंट पे आ सकते हैं। क्या है कि भाई अभी वैरायटी अगर ज्यादा इसमें लगे तो इसका ब्रांडिंग हो जाएगा। अभी हमारी जो 12-13 है और भी अन्य कंपनी ने दिया है, इसमें सब पैरामीटर पे जब खुद उतरेगी तभी ब्रांडिंग होगा। इसका कौन कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? हम तो पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। क्या आपको भिन्नता लगी, अलग अलग जलवायु है, कुछ डिफरेंस आता है मिर्ची में? मिर्ची में तो डिफरेंस आता है, जैसे आप इंदौर सराउंडिंग में देखो तो जमीन ठंडी है, वहाँ पे मिर्ची लाल होती नहीं है, वो दागी आती है। निमाड़ की जमीन हल्की है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो मिर्ची में लाल होने में तकलीफ नहीं है, तो निमाड़ सबसे उपयुक्त क्षेत्र है मिर्ची लगाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।